अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ ब्रेन। मगज को मैंने पहले से साफ़ करके रख लिया था। सबसे पहले हम पैन में पानी डाल लेंगे अपने हिसाब से, फिर इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। उसके बाद जो दो हम लोगों के मगज़ हैं, ये दो मगज़ हैं, इनको हम पैन में डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे, फ्लेम हाई करके 2-3 मिनट तक हम बॉईल देंगे। बॉईल देने के बाद हम एक्स्ट्रा पानी जो है उसको रिमूव कर देंगे पैन से और मगज़ को निकाल लेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। 1 कप अनियन लेंगे, चॉप्ड की हुई हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट करेंगे डालेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इन दोनों को आपस में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, 3 से 4 टमाटर ऐड करेंगे। इसमें हम अपने तमाम स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालेंगे हम अपने हिसाब से, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ रेड, 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। हल्दी इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि इसे कलर की वजह से, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इनको आपस में मिक्स कर लेंगे, टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मेल्ट हो गए, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम अपनी ब्रेन ग्रेवी जो है इसमें डाल देंगे। ग्रेवी में इस तरह से मैंने साबुत डाल दिया। अब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएँगे, कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मगज़ ने भी पानी छोड़ दिया है। और अब इसके पीसीस कर लेंगे छोटे छोटे, आप चाहे तो बड़े जंक्स रख सकते हैं, चाहे तो छोटा छोटा कर सकते हैं स्टेज पर, मैं बड़े ही रखूँगी। कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और ग्रीन चिली के साथ अपने हर्ब्स के साथ इसे अपने मर्जी से गार्निश करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे और डिश आउट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।